आईपीएल 2021 ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार अब जाकर खत्म हुआ और ऑक्शन शुरू हुआ करुण नायर के नाम से, लेकिन वे नहीं बेचे गए। राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ का ऑक्शन 2 करोड़ से शुरू हुआ और उनको 2.2 करोड़ से दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। ग्लेन मैक्सवेल का ऑक्शन शुरू हुआ बेस प्राइस 2 करोड़ से और सबसे पहले केकेआर ने 2.2 करोड़ तक रेस किया। फिर राजस्थान और आरसीबी मिलके प्राइस को 6.25 करोड़ तक ला दिए, लेकिन इसके बाद सीएसके ने 6.5 करोड़ से आरसीबी के साथ ऑक्शन में भाग लिया और आखिरी में आरसीबी ने मैक्सवेल को 14.25 करोड़ से खरीद लिया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को केकेआर ने 3.2 करोड़ से खरीदा, उनका बेस प्राइस रहा 2 करोड़। और वही मोइन अली को सीएसके ने 7 करोड़ से खरीदा और उनका भी बेस प्राइस रहा 2 करोड़। शिवम दुबे के लिए राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बीडिंग वार हुआ, लेकिन आखिरी में राजस्थान रॉयल्स 4.4 करोड़ से उन्हें खरीद लिए और उनका बेस प्राइस था 50 लाख। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस का ऑक्शन 75 लाख से शुरू हुआ। उनके लिए बैंगलोर, मुंबई और राजस्थान रॉयल्स तीनों के बीच रोमांचक बिडिंग वार चला, लेकिन आखिर में मुंबई इंडियंस मॉरिस को 16.25 करोड़ में खरीद लिए और वे आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। इंग्लैंड के ओपनर डेविड मलान को पंजाब किंग्स ने 1.5 करोड़ में खरीदा। न्यूजीलैंड के पेसर एडम मिलन को मुंबई इंडियंस ने 3.2 करोड़ में खरीदा, उनका बेस प्राइस रहा 50 लाख। वही ऑस्ट्रेलिया के पेसर रिचर्डसन को पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ में खरीद लिया। उनके लिए बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शानदार मुकाबला चला और रिचर्डसन का बेस प्राइस रहा 1.5 करोड़। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कार्ल्टन नील को मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ में खरीदा। उनके लिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बिडिंग कंपटीशन चला, उनका बेस प्राइस रहा 1.5 करोड़। उमेश यादव को दिल्ली कैपिटल्स ने 1 करोड़ में खरीदा। पूर्व सीएसके के बॉलर पीयूष चावला को मुंबई इंडियंस ने 2.4 करोड़ में खरीदा, उनका बेस प्राइस था 50 लाख। सचिन बेबी को आरसीबी ने 20 लाख में खरीदा और उनका बेस प्राइस भी 20 लाख था और उनके साथ रजत पाटीदार को भी आरसीबी ने इसी तरह खरीद लिया। विपल पटेल को दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख में बिड करे और उसी दाम में उनको खरीद लिया और उनका बेस प्राइस भी 20 लाख रहा। शाहरुख खान को पंजाब किंग्स ने 5.25 करोड़ में खरीदा, उनके लिए दिल्ली कैपिटल और आरसीबी के बीच बिडिंग वार चला, लेकिन आखिर में पंजाब किंग्स ने खरीद लिया और उनका बेस प्राइस था 20 लाख। कृष्णप्पा गौतम को सीएसके ने 9.25 करोड़ में खरीद लिया, उनके लिए हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता के बीच थ्री वे बैटल चला और उनका बेस प्राइस था 20 लाख। विष्णु विनोद को दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख में खरीदा और वही सेल्डन जैक्सन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी 20 लाख में खरीदा। उसके बाद मैरीवाला को दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख में खरीद लिया, तीनों का बेस प्राइस था 20 लाख। चेतन साकारिया को राजस्थान रॉयल्स 1.2 करोड़ में खरीद लिए, राजस्थान के साथ आरसीबी उनके लिए 95 लाख तक बीट करे, उनका बेस प्राइस था 20 लाख। ऑस्ट्रेलियन पेसर रिकी मेडिथ को पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ में खरीदा, उनको खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स भी प्रयत्न किए और उनका बेस प्राइस था 40 लाख। सिद्धार्थ को दिल्ली कैपिटल्स 20 लाख में खरीद लिए और वही उनका बेस प्राइस था। जगदीश सुजीत को हैदराबाद ने 30 लाख में खरीदा और उनका बेस प्राइस था 20 लाख। भारत के स्टार खिलाड़ी चतेश्वर पुजारा को सीएसके ने 50 लाख में खरीदा, जो उनका बेस प्राइस था। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमिसन को आरसीबी ने 15 करोड़ में खरीद लिया, उनको खरीदने के लिए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ने भी कोशिश की। इंग्लैंड के ऑलराउंडर टॉम करन को दिल्ली कैपिटल्स 5.25 करोड़ में खरीद लिए, उनको खरीदने के लिए एसआरएच और केकेआर काफी कोशिश किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैरी क्यूज को पंजाब किंग्स 4.2 करोड़ में खरीदे,
उन्हें खरीदने के लिए आरसीबी शुरुआत से ही दिलचस्पी दिखाए, लेकिन आखिर में 4 करोड़ तक आकर छोड़ दिए और उनका बेस प्राइस था 1 करोड़। जलाल सक्सेना को पंजाब किंग्स ने उन्हीं के बेस प्राइस 30 लाख में खरीदा और उत्कर्ष सिंह को भी पंजाब किंग्स ने 20 लाख में खरीदा। वहीं वैभव अरोरा को केकेआर ने 20 लाख में खरीदा और ये दोनों प्लेयर्स का बेस प्राइस था 20 लाख। फैबान एलन को पंजाब किंग्स ने 75 लाख में खरीदा और इनका बेस प्राइस भी 75 लाख था। डैनियल क्रिस्टियन के लिए आरसीबी और केकेआर ने शुरुआत से ही इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन आखिर में आरसीबी ने 4.8 करोड़ में उन्हें खरीदा। उनका बेस प्राइस था 75 लाख। इंग्लैंड के खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन को राजस्थान रॉयल्स ने उन्हीं के बेस प्राइस 75 लाख में खरीदा। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्स निशाम को मुंबई इंडियंस ने उन्हीं के बेस प्राइस 50 लाख में खरीदा। टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा तीसरा शतक बनाने वाला करुण नायर को केकेआर ने उन्हीं के बेस प्राइस 50 लाख में खरीदा। केदार जाधव को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 करोड़ में खरीदा और उनका बेस प्राइस भी 2 करोड़ था। इंग्लैंड के बल्लेबाज सैम बिल्डिंग को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में खरीदा और उनका बेस प्राइस भी 2 करोड़ था। अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर उर रहमान को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 करोड़ में खरीदा। भारत के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को केकेआर ने 2 करोड़ में खरीदा और बेन कटिंग को केकेआर ने उन्हीं के बेस प्राइस 75 लाख में खरीदा। और ऑक्शन के अंत में अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने उन्हीं के बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा।